टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटगेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर। जी बिल्कुल, बिटगेट की दुनिया में, प्राइस की दुनिया में काफ़ी सारी मज़ेदार सी अपडेट्स, काफ़ी सारी मज़ेदार सी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो वो सारी की सारी जो बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपने बिटगेट की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी कंटेंट निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना करें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने बिटगेट की तरफ। तो भाई पहले हम देख लेते हैं मार्केट क्या हालत है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई BTC बाईजान चल रहा है 71,068 डॉलर पे, 0.2% बढ़ चुका है 24 घंटों में। इथेरियम की बात करें तो 3,852 डॉलर पे चल रहा है, 1.3% बढ़ चुका है। BNB की बात करें तो 1.2% बढ़ चुका है, 760 डॉलर पे चल रहा है। तो भाई BNB काफ़ी अच्छी धूम मचा रहा है। उसके बाद बात करें भाई सोलाना को लेकर तो वो 172 डॉलर पे चल रहा है। तो भाई मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। वहीं पर अगर देखा जाए फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को, तो भाई आज जो मार्केट है वो 78 स्कोर के साथ एक्सट्रीम ग्रीड में है, जो कल 75 स्कोर के साथ ग्रीड में थी। लास्ट वीक 73 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिली थी, और लास्ट मंथ ही हमें 68 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये कुछ मार्केट्स की हालत हो चुके हैं। वहीं बिटगेट की बात की जाए तो भाई बिटगेट चल रहा है 601 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.60 के बाद 1772 की प्राइस चल रही है, 0.2% बढ़ा है, और BTC के हिसाब से भी ये 0.1% बढ़ चुका है। तो वहीं पर अगर देखिए तो भाई ये एनुअली बेसिस पे 30% डाउन गया है, लेकिन 30 दिनों में ये 16% बढ़ा था, 14 दिनों में 10%, 7 दिनों में ये 4.4% जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। तो ओवरऑल अगर बिटगेट की बात करें तो काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस हमें बिटगेट की प्राइस की देखने को मिली है। तो वहीं पे चलते हैं इनके एक्स अकाउंट पे, देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिली है। तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं इनके एक्स अकाउंट पे। तो भाई यहाँ पे हेयर आर द ट्रेंडिंग क्रिप्टोज ऑफ द डे, जी बिल्कुल, यहाँ पे आज के दिन की कुछ जो ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, तो उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो है नोट कॉइन जो पहले नंबर पे, उसके बाद टेट स्टॉप कॉइन है, उसके बाद भाई हमें जो टाइको नाम से एक प्रोजेक्ट देखने को मिला है, उसके बाद इस लिस्ट में हमें बिटगेट प्राइस देखने को मिला है। तो भाई बिटगेट काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है कि भाई बिटगेट अमंग द टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में देखने को मिला है। तो भाई आज की तारीख की जो टॉप ट्रेंडिंग चल रहे हैं उस पर चौथे नंबर पर जो ट्रेंडिंग में जो क्रिप्टो का प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारा बिटगेट प्राइस चल रहा है। उसके बाद भाई ब्रेन वेव के साथ इन्होंने ऑफिशियली पार्टनरशिप कर ली है। जी बिल्कुल, ब्रेन वेव एक AI को टारगेट करने वाला क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, तो भी इन्होंने ऑफिशियली उसके साथ कोलाब्रेशन कर लिए। वहीं पे अगर देखें तो भाई बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर भाई इन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन वगैरह ले दिया थे। तो भाई इनकी न्यू लिस्टिंग्स होने जा रही है, ये कह रहे हैं कि भाई हम हमारे यहाँ आप जीरो फी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे इनका कहना है कि भाई हम जो है आपके लिए कुछ गिव अवेज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। और साथ साथ हमने देखा है कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, तो भाई वर्ल्ड कप के ऊपर भी वजीर एक्स के साथ ये मिलके आए दिन मैच के हिसाब से जो है वही वो गिव अवे करते रहते हैं, और बिटगेट ब्राइस कॉइन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते रहते हैं। और रिसेंटली हमने देखा था कि इन्होंने हैश किंग के साथ भी पार्टनरशिप कर ली थी बिटगेट ब्राइस ने। उसके साथ अगर हम देखें तो XC.com के साथ जो ब्राइस का मेन नेट सपोर्ट करने लगा है, तो ये भी हमें अच्छी चीज़ देखने को मिली कि भाई काफ़ी यूज़र्स हैं जो ब्राइस को सपोर्ट करने लग गए। उसके बाद भाई यहाँ पे इनके इकोसिस्टम में आप अपनी जो ब्लॉकचेन बनानी हो, कुछ भी हो, तो वो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप वगैरह कर लिए। तो ये ओवरऑल कुछ छोटी मोटी बातें थी, छोटी मोटी चीज़ें मुझे बिटगेट की दुनिया में, ब्राइस की दुनिया में देखने को मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए आपके साथ, ये सारी की सारी बातें शेयर की जाए। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।